प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। पुराणों में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर ही बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पे राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांप को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का भेष धारण करके अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गया। स्त्री के भेष में सांप ने ऋषियों से कहा वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश राजकुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा, तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांप को श्राप दे दिया कि तुम एक लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस श्राप को सुनकर सांप बहुत डर गया। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे, इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांब ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना ही उत्पादन किया जाए और ना ही वितरण हो। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख और उनका रथ और बलराम के हल्का अदृश्य हो जाना भी शामिल था। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों की बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देख कर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों की मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सब मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे के साथ बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया। वो आपस में लड़ने और मरने लगे। इस तरह आपस में लड़कर सभी लोग मारे गए। भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक बहेलिए ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांब के पेट से निकला था, जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करवा दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की आयु 36 वर्ष भी पूरी हो गई थी। यहीं पर श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई, इस कहानी का समापन होता है। ये कहानी आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।